हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज में आज का हम लोगों का वर्ड है ब्रेक। और ब्रेक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज एक ही वर्ड को, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं और वो वर्ड है आपका ब्रेक डाउन। तो जनरली दोस्तों, आप लोगों ने सबने सुना होगा ब्रेक डाउन वर्ड को। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रेक डाउन के 9 अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, सीधे 9 मीनिंग इसके अलग अलग हैं, जिनको आप लोगों को आज मैं समझाऊंगा मीनिंग्स को और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स को, राइट? तो ब्रेक डाउन, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आइए देखिए दोस्तों, ब्रेक डाउन का सबसे पहला मीनिंग होता है नंबर 1, जिसका मीनिंग है टू स्टॉप वर्किंग। इसका मतलब किसी चीज का काम करना रुकना, राइट? रुक जाना। और ये जो काम करना जो रुका है वो रुकेगा किसी मशीन के लिए या किसी व्हीकल के लिए, ओके? यानी कि कोई भी वाहन अगर रुक जाता है काम करते करते, या कोई मशीनरी रुक जाती है काम करते करते, तो उसे बोलते हैं हम ब्रेक डाउन। जैसे दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि पूरे जगहों पर, यानी सभी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई एक साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन, राइट? या कोई भी रोड पे कोई भी व्हीकल, यानी कोई भी वाहन खराब हो गया, उसे भी हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन। तो दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, आई गॉट लेट बिकॉज माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे। मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी जो बाइक थी वो क्या हो गई? खराब हो गई। तो यहां दोस्तों, ब्रेक डाउन का पहला मीनिंग हुआ खराब होना, राइट? आते हैं दोस्तों अपने दूसरे मीनिंग पर। सेकेंड इसका मीनिंग है टू बिकम वेरी अपसेट एंड इमोशनल, ओके? यानी कि पूरी तरीके से इमोशनली कोलैप्स हो जाना, यानी कि एक तरीके से टूट जाना, राइट? अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही ब्रोक डाउन व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, ओके? वो पूरी तरीके से इमोशनली अपसेट हो गया, यानी टूट गया जब उसने बात स्टार्ट की किसकी? अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, ओके? तो दोस्तों, सुना और देखा होगा जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो इन मौकों पे जनरली इंसान क्या होता है? टूट जाता है, थोड़ा सा इमोशनली हो ही जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। आते हैं अपने तीसरे मीनिंग पर। ब्रेक डाउन का दोस्तों तीसरा मीनिंग बनता है टू बिकम वीक और कोलैप्स, राइट? यानी कि कमजोर होना और टूटना, एक तरीके से वीक होना, फिजिकली वीक हो जाना, उसे भी हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। यानी कि इट मींस किसी भी बीमारी वगैरह से ब्रेक डाउन होना, ओके? चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। शी वर्कड सो हार्ड दैट हर हेल्थ ब्रोक डाउन, ओके? उसने इतनी मेहनत की कि उसकी हेल्थ क्या हो गई? पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई, यानी कि वो क्या हुई? वीक हो गई, कमजोर होना, हेल्थ, ओके? उसे भी बोलते हैं हम लोग ब्रेक डाउन। आते हैं दोस्तों अपने चौथे मीनिंग पर। ब्रेक डाउन का दोस्तों अगला मीनिंग हो सकता है टू फॉल और बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि गिरना या पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, उसे भी हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है, इफ यू डोंट ओपन अप द डोर आई विल ब्रेक डाउन इट। आई होप समझ गए होंगे, अगर आप दरवाजा नहीं खोलते हैं तो मैं इसे तोड़ दूंगा, यानी कि क्या कर दूंगा? इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ब्रेक डाउन का चौथा मीनिंग दोस्तों क्या बना? किसी चीज को तोड़ना, बर्बाद करना। पांचवा मीनिंग दोस्तों इसका बनेगा टू एक्सप्लेन समथिंग स्टेप बाय स्टेप। देखिए कितना अच्छा मीनिंग है, किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप चल के आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए हर चीज को क्या करता हूं? ब्रेक डाउन करता हूं, जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू मेक यू क्लियर आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक डाउन द सेंटेंसेस। मैंने क्या कहा था अभी? आपको क्लियर कराने के लिए मैं हमेशा ट्राई करता हूं सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करने की। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की, राइट? ब्रेक डाउन का दोस्तों सिक्स्थ मीनिंग है टू डिवाइड समथिंग इनटू सेपरेट
पार्ट्स, यानी कि किसी चीज को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल समझते हैं, फ्रेंडशिप गोज लॉन्गर इफ वी ब्रेक डाउन आर एक्सपेंसेस। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, दोस्ती लंबी चलती है अगर हम अपने एक्सपेंसेस को क्या करें, ब्रेक डाउन कर दें, यानी कि उनको सेपरेट कर दें, डिवाइड कर दें, अलग अलग बांट लें। तो आपने बहुत ही फेमस कोटेशन सुनी होगी कि भैया दोस्ती बहुत पक्की है लेकिन खर्चा अपना अपना। तो बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि दोस्ती अच्छी चलती है, लॉन्गर चलती है, लंबे समय तक चलती है जब आप अपने एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लेते हैं। क्योंकि एक भी, आप खुद ही समझते हो कि एक पर्सन सारे एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट मीनिंग पर। और अगला मीनिंग है इसका ब्रेक डाउन का, व्हेन अ डिस्कशन और रिलेशनशिप स्टॉप्स। ओके, इसी से एक ब्रेकअप भी बना है वर्ड, यानी कि जब कोई डिस्कशन या कोई रिलेशन ब्रेक होता है, स्टॉप होता है, तो उसे भी हम क्या बोल देते हैं, ब्रेक डाउन होना। एग्जाम्पल देखो, अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी कॉज्ड द रिलेशनशिप ब्रेक डाउन। यानी कि समझदारी और मैच्योरिटी की कमी होना, यानी कि समझदारी और मैच्योरिटी की कमी होने पर रिलेशनशिप क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। यानी कि रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन होने का जो रीजन बना वो क्या बना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी, यानी इन दोनों चीजों की कमी। लैक का मीन्स होता है कमी होना। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अगला ब्रेक डाउन का मीनिंग हो सकता है टू रिमूव डिफिकल्टी दैट स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि किसी भी मुसीबत, किसी भी चीज को रोकना जो किसी काम को होने से रोकती है, उसे भी हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वी होप दिस मीटिंग विल ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन दीज टू फैमिलीज। ओके, यानी कि कुछ होने से रोकना, उसे भी हम ब्रेक डाउन बोल रहे हैं। तो हम ऐसी होप करते हैं, हम ऐसी आशा करते हैं कि ये जो मीटिंग होगी अब, ओके, वो मीटिंग इन दोनों फैमिलीज के बीच में जो बैरियर्स हैं, जो आपस में मनमुटाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, उनको क्या करेगी, खत्म कर देगी उन सबको। यानी कि जो परेशानियां हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, उनको क्या करेगी, रिमूव करेगी। आते हैं दोस्तों ब्रेकडाउन के लास्ट मीनिंग पर, और आज का लास्ट मीनिंग है ये। तो ब्रेकडाउन का दोस्तों अंतिम मीनिंग हो सकता है टू रिड्यूस समथिंग टू इट्स कंपोनेंट पार्ट। ओके, यानी कि किसी चीज को छोटे 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 हिस्सों में क्या करना, डिवाइड कर देना, यानी कि बांट देना। ओके, यानी कि कोई भी चीज, जैसे पेन है, पेन आपने किस चीज से बनाया है, प्लास्टिक से या उसके और भी कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, उनको क्या करना, ब्रेक कर देना अलग अलग कंपोनेंट्स को, उसे भी हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। राइट, चलिए तो समझते हैं। एग्जाम्पल, आई कैन ब्रेक डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट, यानी कि किसी पर्सन ने ये बोला, कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसने बोला कि मैं ब्रेक कर सकता हूं वाटर को किस किस चीज में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। दोस्तों आपने सुना होगा, जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, आई थिंक सो नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल बात है कि भाई वाटर में क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, और वाटर का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होगा, H2O। ओके, तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है और हाइड्रोजन होता है, उसके कंपोनेंट्स को अलग करना, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। आई होप दोस्तों ये ब्रेक डाउन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, यानी कि 9 पॉइंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये सब आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, और एग्जाम्पल्स को एक बार और आप लोगों को देख लेना है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो, जय हिंद।